शीश नवार हंत को सिद्धन को करूं प्रणाम, उपाध्याय आचार्य का ले सुखकारी नाम, सर्व साधु और सरस्वती जिन मंदिर सुख का आदिनाथ भगवान को मन मंदिर में धार। जय जय जिन स्वामी, तीन काल तिहुँ जग में नामी, वेश दिगंबर धार रहे हो, कर्मों को तुम मार रहे हो। हो सर्व वृक्ष जब लगे बिछड़ने, जनता आई दुखड़ा कहने, सबका संशय तभी भगाया, सूर्य चंद्र का ज्ञान कराया, खेती करना भी सिखलाया, न्याय दंड आदिक समझाया, तुमने राज किया नीति का, सबक आपसे जग ने सीखा। पुत्र आपका भरत बताया, चक्रवर्ती जग में जो पुत्र तुम्हारे भरत से पहले मोक्ष सिधारे, सुता आपकी दो बतलाई, ब्राह्मी और सुंदरी कहाई, उनको भी विद्या सिखलाई, अक्षर और गिनती बतलाई। दिन राज सभा के अंदर एक अप्सरा नाच रही थी, आयु उसकी बहुत अल्प थी, इसीलिए आगे नहीं नाची। विलय हो गया उसका सत्वर, झट आया वैराग्य बुलाया, राजपाठ सब में बटवाया। छोड़ सभी झंझट संसारी, वन जाने की करे तैयारी, राव हजारों
ने अपना रास्ता गीना, वेश दिगंबर तज कर सबने छाल आदि के कपड़े पहने। भूख प्यास से जब घबराए फल आदि खा भूख मिटाए, 363 धर्म फैलाए, जो दुनिया में दिखलाए, 6 महीने तक ध्यान लगाए, फिर भोजन करने को धाए, भोजन विधि जाने नहीं कोई, कैसे प्रभु का भोजन होए। इसी तरह बस चलते चलते 6 महीने भोजन बिन बीते, नगर हस्तिनापुर में आए, राजा सोमश्रेयास बताए, याद तभी पिछला भव आया, तुमको फौरन ही पढ़ धाया, रस गन्ने का तुमने दुनिया को उपदेश सुनाया। तप कर केवल ज्ञान को पाया, मोक्ष गए सब जग हर्षाया, अतिशयोक्त तुम्हारा मंदिर चांद खेड़ी भवरे के का, यह अतिशय बतलाया, कष्ट कलेश का होए सफाया, मान तुंग पर दया दिखाई, जंजीरे सब काट गिराई, राजसभा में मान धर्म जग में फैलाया, मुझ पर भी महिमा दिखलाओ, कष्ट भक्त का दूर भगाओ, मुझ पर भी महिमा दिखलाओ, कष्ट भक्त का दूर भगाओ। पाठ करे 40 दिन नित 40 ही बार, चांद खेड़ी में आए के खेवे धूप अपार, जन्म दरिद्री हो जो होए कुबेर समान, नाम वंश जग में चले जिन्हें